3 महीने के लिए हम अपने मन का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, देखने के लिए कि इसका असर कोई रिश्तों में पड़ता है। वी नीड टू चेक ना, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाला हमने एक्सपेरिमेंट तो सारा कर लिया कि हमने इतना कुछ किया उनके लिए, फिर भी हमारा रिश्ता हिल जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं कि थोड़ा कुछ कर लेते हैं अपने लिए और देखते हैं क्या उसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। तो 3 महीने के लिए अपने मन का ध्यान रखना शुरू करते हैं, विच मीन्स आत्मा को पावरफुल बनाना शुरू करते हैं, अपने आप के साथ एक अच्छा सा रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अपने आप के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाने के लिए उस हायर पावर के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ रिश्ता अच्छा करने के लिए इस बैटरी को चार्ज करना है। अब ये बैटरी खुद को खुद चार्ज करे, इसमें तो टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम लगेगा। अभी डाउन है, अब इसको हम चार्ज करें, फुल चार्ज करें, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बैटरी चार्ज हो और जल्दी से चार्ज हो, इसका सिंपलेस्ट तरीका पावर हाउस से कनेक्ट करना, पावर हाउस से कनेक्ट करना। तो कई बार हम कहते हैं ना, जरूरी है क्या भगवान को याद करना? नहीं, जरूरी तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के बिना क्या हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं? आई डोंट बिलीव इन गॉड। इट्स नॉट अबाउट बिलीविंग इन गॉड, इट्स अबाउट कनेक्टिंग टू गॉड। बिलीव करेंगे कैसे? बिलीव तो तब करेंगे ना जब एक्सपीरियंस करेंगे। किसी भी रिश्ते में हमें बिलीव कब होता है? जब हमने उस रिश्ते को एक्सपीरियंस किया होता है, हमने उस एनर्जी को एक्सपीरियंस किया होता है। तो कभी कभी अगर हमने परमात्मा की शक्ति का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, परमात्मा के प्यार का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, परमात्मा की गाइडेंस का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो हमें लगता है कि परमात्मा के साथ क्या रिश्ता जोड़ना है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद अ हायर पावर, क्योंकि उस पावर हाउस के साथ जब रिश्ता होगा, तो उस पावर हाउस के साथ वो एक रिश्ता है जिसमें हमें गिविंग नहीं, जिसमें हमारा रिसीविंग होता है। वी आर रिसीविंग गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की शांति, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा का ज्ञान। मुझ आत्मा को रिसीव करना है, रिसीव करना है, क्योंकि बैटरी पावर हाउस को देती नहीं है, बैटरी बैटरी को देती है, बैटरी बैटरी से लेती है, लेकिन बैटरी पावर हाउस को देती नहीं है, बैटरी पावर हाउस से लेती है। परमात्मा सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, प्यार का सागर। तो अगर कभी लगे भी कि मुझे प्यार चाहिए, कितना मैं देती रहूं सिर्फ मुझे चाहिए, तो लेना है ना, तो कहाँ से लेना पड़ेगा? जो प्यार का सागर है। तो ये एक और इक्वेशन है जो हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर मुझे चाहिए, क्योंकि हम सबको चाहिए, क्योंकि अगर चाहिए नहीं होता तो ये बैटरी 100% चार्ज हो गई होती। तो अब उसको 100% चार्ज करने के लिए हमें चाहिए, लेकिन किससे चाहिए? एक और डिस्चार्ज बैटरी से तो नहीं चाहिए? ये चाहिए भी तो करेक्ट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ना। हम डिस्चार्ज है, सामने वाला भी डिस्चार्ज है, और हम कहते हैं इनसे चाहिए, उनको तो देना है, उनको तो देना है। तो इधर इक्वेशन वेरी क्लियर, लेकिन चाहिए तो हमने पावर हाउस से लेना है। तो परमात्मा के साथ एक रिश्ता हमारे बाकी सारे रिश्तों को बहुत सुंदर बना देता है। क्योंकि ये कैसे वर्क करता है कि परमात्मा के साथ जब रिश्ता जुड़ता है, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्तियों को हम अपने अंदर भरते हैं, तो ये बैटरी चार्ज होने लगती है। जैसे ये बैटरी चार्ज होने लगती है राइट फ्रॉम डे वन, ऐसा नहीं है कि इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें बहुत साल लगने वाले हैं। राइट फ्रॉम डे वन जब ये बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है, तो सिंपल इक्वेशन है कि जितनी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, उतना हमारा लोगों से चाहिए कम होता जाएगा और हमारी देने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जितना देने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उतना एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन नहीं, उतना फॉरगिवनेस आ जाएगी, हर्ट नहीं।
उतना पेशेंस आ जाएगी, इम्पेशेंस नहीं, उतना लव आ जाएगा, एंगर नहीं, ये सारी चीजें चेंज होने लग जाएंगी, उतना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? यहाँ की बैटरी चार्ज होने लग गई, और जैसे यहाँ बैटरी चार्ज होने लग गई, रिश्ता बदलना शुरू हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो हमारा क्रिटिकल और जजमेंटल का संस्कार था ना, मतलब लोगों की कमजोरियां दिखाई देती थी, लोगों ने हमारे लिए जो नहीं किया वो ही दिखाई देता था मन पर, इनको ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए। इंटेंशन बहुत अच्छी है कि इनको चेंज होना चाहिए, लेकिन एनर्जी जजमेंटल की थी वो भी खत्म हो जाएगी, एंड दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग्स। जजमेंटल नहीं, ब्लेसिंग्स, इनको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है, ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है। रिजेक्शन मतलब आप अभी जैसे हैं वो मेरे लिए आप ठीक नहीं है, आपको चेंज होने की जरूरत है, चाहे आपके ही बेनिफिट के लिए, लेकिन आपको चेंज होने की जरूरत है, आप परफेक्ट नहीं हैं, ये रिजेक्शन की एनर्जी है। हम ये बोल नहीं रहे हैं लेकिन हम अंदर फील तो कर रहे हैं ना, और ये एनर्जी सामने वाले को मिलती है एंड सामने वाला अच्छा नहीं फील करता है। दूसरों के अंदर चेंज होने के लिए हमें दूसरों को ब्लेसिंग्स देने की जरूरत है। ब्लेसिंग इज अ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, तो हमें दूसरों को चेंज, अगर हमारी प्रेरणा है उनके लिए कि उनको चेंज होने की जरूरत है, तो उनके लिए ब्लेसिंग्स देने की जरूरत है। विच मीन्स आपको ऐसे 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 होना चाहिए, ये नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, क्योंकि आत्मा है ना, वो भी सिर्फ एक रिश्ता लेबल वाला नहीं है, प्योर सोल है। एंड ये वाली जो आदत है, ये आपके अंदर ये आदत परफेक्ट है, मतलब जो चेंज करना है उसके लिए भी एक ब्लेसिंग देनी है। सपोज कि कोई अपना काम ठीक से पूरा नहीं करता है, कोई लेट आता है, कोई झूठ बोलता है, कोई अपना सामान जगह पर नहीं रख रहा, ये तो बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, कोई डाउट करता है, किसी के अंदर क्रिटिसिज्म की आदत है, ये उनकी आदतें हैं। लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे कि आप क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, आप डाउट बहुत करते हैं, आप दुख देते हैं, हम अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हम खुद भी ऐसे हो जाएंगे और उनको भी रिजेक्शन की एनर्जी मिलेगी। अब हमें उनको ब्लेसिंग भेजनी है, दुआ भेजनी है, एंड दुआ मीन्स कि जो हम चाहते हैं कि वो हो, तो हमें वो ब्लेसिंग भेजनी है कि आप ये हैं, आप ये हैं। और जैसे हम ये ब्लेसिंग भेजेंगे, आप ये हैं, वो ब्लेसिंग, वो वाइब्रेशन, वो अब्सॉर्ब करेंगे और वो वैसे बनते जाएंगे। सपोज कोई झूठ बोलता है, आदत है, वो आत्मा का संस्कार है, लेकिन हमें क्या ब्लेसिंग भेजनी है? यू आर अ पावरफुल सोल, आप शक्तिशाली आत्मा है, आप हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी तो आपका संस्कार है, ये हमारी सोच। अब ऐसा लगता है ये तो झूठ है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। हाँ वो झूठ बोलते हैं, कितनी बार झूठ बोलते हैं? दिन में एक बार, दिन में 5 बार, दिन में 10 बार, वैसे इतनी बार तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं। अगर कोई दिन में 10 बार भी झूठ बोल ले, लेकिन वो बाकी हजारों बार तो सच ही बोल रहा है ना, कोई ऐसा है जो हर बात में झूठ बोलता है, ऐसा कोई कभी मिला? हाँ कोई ज्यादा झूठ बोलता है तो हम उसको बोलते हैं ये तो हर बात में झूठ बोलता है, हर बात में कोई झूठ बोल नहीं सकता है, कोई झूठ बोल नहीं सकता है हर बात में, लेकिन हम इतने स्ट्रॉन्ग लेबल्स लगा देते हैं, ये तो हर बात में झूठ बोलते हैं। और जब ये वाइब्रेशन हमारी उनको जाएगी, तो उनका वो झूठ बोलने का संस्कार और पक्का होता जाएगा, क्योंकि हम झूठ बोलने के संस्कार पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उस आत्मा के पास ऑनेस्टी का भी संस्कार है, क्योंकि दिन में 1,000 बातें वो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन हम झूठ के संस्कार को देख रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं, उसी पर फोकस कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी झूठ के संस्कार पे जा रही है, तो वो झूठ का संस्कार और पक्का होता जाएगा। अब
जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होती जाएगी, उनका व्यवहार हम डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हम उनको ब्लेसिंग भेजेंगे। जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तब हम उनकी उस वीकनेस पे फोकस करते हैं। जब हम स्टेबल होते हैं ना, तब हम उनकी विशेषताओं पर फोकस करते हैं, और जब हम उनकी विशेषताओं पर फोकस करते हैं तब हम उनके लिए ब्लेसिंग क्रिएट करते हैं, और तब वो एनर्जी उन तक पहुंचकर एक ब्लेसिंग बन जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम दूसरे के लिए कौन सी थॉट क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो जितना हम मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल स्टडी से इस बैटरी को चार्ज करेंगे, विच मीन्स परमात्मा की शक्ति से अपने आप को यहाँ भरपूर करेंगे, उतना हम दूसरे के व्यवहार में डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम स्टेबल रहेंगे, उतना हमारे मन से उनके लिए एक ब्लेसिंग क्रिएट होगी, और जितनी वो ब्लेसिंग क्रिएट होगी उतना हम पीसफुल रहेंगे, हम रिश्ते में देने वाले होंगे, वो उन तक एनर्जी पहुंचेगी, उनको वो शक्ति मिलेगी, और वो शक्ति जब उनको मिलेगी तो उनकी बैटरी भी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, और जब उनकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी उनकी वो आदत, उनका वो संस्कार बदल जाएगा। व्हाट अ बिग गिफ्ट इन रिलेशनशिप। हम चाहते हैं ना कि हमारे आसपास सारे जो हैं उनके संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए, उनकी आदतें बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके काम करने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ तभी होगा जब हम यहाँ पर परफेक्ट होंगे और उनके लिए वो परफेक्ट एनर्जी, वो ब्लेसिंग की एनर्जी क्रिएट कर रहे होंगे। तो 3 महीने का एक्सपेरिमेंट अपनी बैटरी को चार्ज करने का, क्या करने से? परमात्मा के साथ एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ने से, अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। इट्स नॉट अबाउट डू आई बिलीव इन गॉड, इम्पोर्टेंट इज डू आई एक्सपीरियंस गॉड। क्या मुझे अनुभव होता है परमात्मा की शक्ति का? और अगर मुझे अनुभव होता है तो उसका डायरेक्ट प्रूफ है कि वो शक्ति अगर मुझे यहाँ मिल रही है, कभी कभी नहीं, सारा दिन, हम सबको परमात्मा की मदद, परमात्मा की शक्ति का अनुभव होता है। हम कहते हैं मेरे जीवन में वो बात आई, मुझे भगवान ने मदद की, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि मैंने भगवान से मदद मांगी थी और मुझे भगवान ने मदद की और मेरा वो काम ठीक हो गया। डेफिनेटली डेफिनेटली वो हमारा माता पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, उसके साथ हमारे सारे रिश्ते हैं, वो मदद तो करेगा ही, उसकी शक्ति तो हमें मिलेगी ही। लेकिन उसकी शक्ति हमें कब मिलती है? जब हम उसकी शक्ति को लेते हैं। इट्स लाइक द सन, सूर्य है, वो है, उसकी लाइट, उसकी लाइट और उसकी शक्ति तो कांस्टेंट है, लेकिन हम में से कौन कौन वो सूर्य की शक्ति को लेता है? हम अपनी खिड़की को कितनी देर सारा दिन खुला रखते हैं? हम कितनी देर बाहर खड़े होकर उस सूर्य की शक्ति को संपूर्ण रीति अपने अंदर भरते हैं? तो जब अपने अंदर भरेंगे उतनी देर हमें उसकी शक्ति मिलेगी। कभी कभी भरेंगे तो कभी कभी मिलेगी, रोज भरेंगे तो रोज मिलेगी, सारा दिन भरेंगे तो सारा दिन मिलेगी। तो इट्स नॉट अप टू द सन, वो सूर्य पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सूर्य तो अपनी शक्ति कॉन्स्टेंटली दे रहा है, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको अपने अंदर कितना भर रहे हैं। इसी तरह परमात्मा, ऐसा नहीं है भगवान इनको मदद कर रहा है मेरी नहीं मदद कर रहा, इसकी बात पूरी कर रहा है मेरी नहीं बात पूरी कर रहा। भगवान एक शक्ति है, कौन सी शक्ति है? प्यार की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, वो खुशी और आनंद की शक्ति है, वो पवित्रता की शक्ति है, वो सारी शक्तियां हैं जो मुझ आत्मा को चाहिए। जैसे सूर्य वो शक्ति है जो मेरे शरीर के लिए आवश्यक है, वो मेरे शरीर के लिए आवश्यक है। तो आजकल डॉक्टर हमें कहते हैं ना, थोड़ी देर सनलाइट में जाया करो तो ये सारी डेफिशिएंसीज खत्म हो जाएंगी। तो विच मीन सन की लाइट को लेकर अपने बॉडी को चार्ज कीजिए। अगर हम सन की लाइट को लेकर अपनी बॉडी को चार्ज करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी,
इसी तरह गॉड की लाइट लेकर, परमात्मा की लाइट और माइट लेकर आत्मा को चार्ज कीजिए। और अगर आत्मा को चार्ज करेंगे तो आत्मा हेल्दी रहेगी, और अगर आत्मा हेल्दी रहेगी तो सारे रिश्ते हेल्दी रहेंगे। तो परमात्मा की लाइट और माइट मतलब सबसे पहली चीज परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि भगवान हमें वो ज्ञान देता है कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है, सामने वाला कुछ भी करे मुझे कैसे सोचना है, मेरा हर संस्कार कैसा होना चाहिए, मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे मेरा कर्म कैसा होना चाहिए। इसकी पहले हमें नॉलेज चाहिए। हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, इसमें क्या सीखना है, हमें सीखना है, क्योंकि आजकल हम क्लियर नहीं है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हमने कहा एक्सपेक्टेशंस नेचुरल है, हमने कहा हर्ट नेचुरल है, हमने कहा डिजायर्स नेचुरल है, हमने कहा अटैचमेंट नेचुरल है। हमने तो रिश्तों में अटैचमेंट को नॉर्मल कह दिया। तो जब हमने अनकंफर्टेबल इमोशंस को नेचुरल कह दिया तो हमें ज्ञान की जरूरत है कि क्या सही है, उसको समझने की जरूरत है। तो परमात्मा हमें सही सोचने का तरीका, सही संस्कार, श्रेष्ठ कर्म, इसका ज्ञान देते हैं। अब ये ज्ञान हमें रोज अपने अंदर भरना पड़ेगा, रोज भरना पड़ेगा, क्योंकि जब वो रोज 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 अंदर जाएगा, कोई एक दिन में हम एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस पे थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे। शरीर को अगर बाहर सुबह 7 बजे ले जाएं और सूर्योदय के सामने वहां खड़े हो जाएं, तो एक दिन में तो शरीर हेल्दी नहीं हो जाएगा। उसको तो रोज लेके जाना पड़ेगा और जीवन भर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की एनर्जाइजिंग उस सूर्य से हो रही है। तो इसको रोज लेके जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कितने दिन, कितने साल, नो, डेली। क्योंकि जिस दिन बंद कर देंगे तो ये शरीर फिर अफेक्ट होने लग जाएगा, क्योंकि हमने उसको वो एनर्जी नहीं दी, हम अपने आप को घर में बंद करके बैठ गए। सेम परमात्मा की शक्ति के साथ हमें वो परमात्मा का ज्ञान रोज अपने अंदर भरना पड़ेगा, रोज रोज भरना पड़ेगा।